ये क्या चीज है यहाँ? देख के आऊँ, मैं देख के आता हूँ। देखो पूरे नमक है, प्रॉपर नमक है बे। पहली बार मैंने नमक देखा है पास से। देखो लखपत, लखपत फोर्ट, ये देखो। और बाप रे, ये तो तोड़ा हुआ है। उनके ये सामान चरण पादुका वगैरह ना। इस किले का इतिहास और इस गुरुद्वारे का इतिहास आपस में थोड़ा सा इंटर कनेक्ट है, मतलब दोनों का कनेक्शन है। जो यहाँ का किला है वो पहले तो बता दूँ, 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जो मैंने स्टार्टिंग में दीवार दिखाई थी ना, यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ऐसे करके पूरा किला ऐसे घुमा हुआ है। और ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ना, ये इस किले का बैक साइड है जहाँ से पाकिस्तान की तरफ ट्रेड हुआ करता होगा 100%। पैर रखने की स्टैंड कितने सही उनके लेग गार्ड पे। वाह यार, अच्छी लग रही गाड़ी, इतने बड़ी शानदार जगह है यार। उरुतिरी, ये क्या सीन है, मजा ही आ गया ना, क्या बात है यार। व्यू पॉइंट देखते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वंस अगेन। रण उत्सव 2022 का ये तीसरा दिन है और एपिसोड 4 है, जिसके अंदर हम कल टेंट सिटी गुजरात में जो एक जगह है टेंट सिटी, वहां पे आकर के स्टे किया है। टेंट सिटी का कल रात, जैसे मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से 18-20 हज़ार कुछ रुपये कुछ मांग रहे थे पर पर्सन एक नाइट का, तो वो हम सब ने इग्नोर कर दिया कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितने की ट्रिप नहीं है, जितने का ही अगर एक नाइट का स्टे हो गया तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है। वो तो उसके बाद मैं अभी देखो यहाँ का दिखाता हूँ कैसा कुछ दिखता है ये होम स्टे। इधर अगर जैसे ही यहाँ से एंट्री करोगे, ये यहाँ पे इनकी चेकिंग वगैरह कुछ करते हैं, ये टेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ भी स्टे कर सकते हो आप। ये बाइकों की रखने की जगह, कार की रखने की जगह, अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ मस्त एक झूला लगाया हुआ है इन्होंने। ये बीच में जो है, कल रात अगर आपने वीडियो देखा हो, यहाँ के कलाकार यहाँ पे गाने वगैरह गा रहे थे। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, आग जल रही थी, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह या बोलो रूम वगैरह है, वहाँ के 2 रूम जो है वो हमने बुक कर लिए। वो चीज़ भी अभी मैं अंदर चल के दिखाता हूँ किस टाइप का रूम वगैरह दिया हमने। चलिए मैं अंदर से दिखाता हूँ एक बार किस टाइप का रूम था। ये कुछ इसकी एंट्री है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। देखो हमें काफ़ी बड़ा, रात को तो मैं दिखा नहीं पाया। यहाँ पे 2 जने सो सकते हैं, इधर भी 2 जने सो सकते हैं, दो दो मतलब ऑलमोस्ट 4 जनों की कैपेसिटी है यहाँ पे। और ये जितना भी बनाया हुआ है ना, सारा कोई लकड़ी का नहीं, पूरा सीमेंट का बना हुआ है, ताकि टूट फूट भी नहीं हो। सामान रखने की पूरी व्यवस्था है, एक राइडर यहाँ रख दिया, मैंने वहाँ रख दिए, पाजी ने उधर रख दिया, अमित का खाली पड़ा, वो उधर सो गया कल रात। यहाँ बड़ा सा एक ग्लास और ये इसकी कुछ बाथरूम, मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। रुकने की व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। 1600-1700 रुपये पर पर्सन पड़ा है हमें ये कल रात को, और कहाँ 18,000 रुपये पड़ रहा था। तो आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हो। मुश्किल से यहाँ से टेंट सिटी में ही हैं हम, पर वहाँ से जो प्रॉपर लोकेशन होती है वहाँ से हम 1.5 या 2 किलोमीटर भी नहीं है, इतना सा ही दूर है बस टेंट सिटी। कल रात की वीडियो में आपने देखा, अगर नहीं देखा हो तो जा करके आप देख सकते हो, वो वीडियो के अंदर आइए लास्ट। और अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, बाकी सबने कर लिया, और इसके बाद हम जो जगह जाएंगे वो भी बताऊंगा। ये है मजा, सामने से सूरज आ रहा है, शानदार हमारा नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में पास चाय, पराठा, पोहा और ये मीठा अचार है, और ये अचार बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है। पूरे गुजरात में हर जगह मसाला चाय मिल रही है, ये अच्छी बात है, ये सर्वर जो दुखता है ना सही हो जाता है इससे। अभी नाश्ता करके हम निकलने वाले हैं। और अमित आज का क्या सीन है, थोड़ा ब्रीफ कर। आज अपन निकलेंगे नारायणपुर सरोवर। बेड़िया ना दिख नहीं रहा इतना ऊंचा, नारायणपुर सरोवर निकलेंगे अपन आज। नारायणपुर सरोवर तो ये एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा होके अपना सरोवर, सरोवर से अपन चलेंगे ATVS VIP गेस्ट हाउस एटमिक हॉल वालों का, वहाँ पे अपना लंच है। अपने लिए लंच ऑर्गेनाइज किया है अनिल सर ने। एक राइडर है मैं नहीं जानता,
अमित जानता है शायद पहले 2008 में राइड की हुई है, नहीं 8 में 18 रात में की हुई है, 19 में की हुई है साथ में, पहले कोटा ही रहते थे, अब आईएसपी से रिटायर्ड होके अब गुजरात आ गए। हाँ, वो प्रॉपर गुजरात से ही, अहमदाबाद से। अच्छा, तो उन्होंने हमारा पूरा अमित जी डन हो गया ना, अरेंज किया हुआ है दिन का खाना वगैरह का कार्यक्रम। जब हम देखेंगे एक वो किला भी तो बता रहे थे, पता नहीं कैसा फोर्ट है, नियर बाय लखपत फोर्ट। लखपत फोर्ट है, देखो देखने वाला पॉइंट जो है ना, पहला तो लखपत फोर्ट है, दूसरा एक बीच है, एक गुरुद्वारा है, तीसरा एक गुरुद्वारा, ये तीन जगह तो देखे हैं। सरोवर, नारायणपुर सरोवर है, पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने तो देखी नहीं। वो बात सेम जगह यहीं पे वापस स्टे हमारा आज भी है ना, यहाँ वापस आ जाएंगे। और ये पूरा रन जो होने वाला है 250 किलोमीटर करीब का होने वाला है, और यहाँ आने के बाद फिर कल सुबह हम, अब जिसको कोटा जाना है वो डायरेक्ट कोटा जा सकता है, जिसको उदयपुर स्टे करके जाना है तो उदयपुर स्टे करके जाएगा, 850 किलोमीटर। और जिसको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर सकता है, जो ही ना बात। तो चलिए मिलते हैं नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में। कह रहा हूँ ना ये एडिटिंग वर्थ इट है। पाजी इसमें बैठ रहे हो आज पिलियन, दुख ये दुख है जीटी का। आज मैं टैंक वैग वगैरह नहीं ले जा रहा क्योंकि घूम के यहीं आना हमें वापस, तो सिर्फ बेसिक आइटम रखे हैं अपन ने पूरे जो रियल में काम आने वाले हैं। चलो अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ताकि बाकी लोग भी बढ़ना चालू करें। ट्रिप कर ली हमने जीरो, यहाँ देखो कितने सारे टेंट है। कल रात को तो अंधेरे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं होगा, ये देखो इधर भी टेंटिंग हो रही है, इधर भी टेंट है, इधर शायद होम स्टेज भी हो सकते हैं एक आध। अच्छा क्या हुआ, बिल्कुल जैसे जैसलमेर में ना, वैसे हर जगह यहाँ पे आपको मतलब हर जगह पे जा, हर 500 मीटर हर 50 मीटर भी कैंपिंग साइट मिलेगी। देखो ये शायद बना रहे हैं अपना खोया होम स्टे, देखो होम स्टे, ये पूरा होम स्टे, यहाँ से इसकी एंट्री दोनों साइड से एंट्री, इधर से दोनों साइड से। ये देखो यहाँ पे देखो कुछ सामान खरीद सकते, यहाँ शायद रुक भी सकते हैं आई थिंक, मेक इन गुजरात। ये वो सीन है जहाँ पे आप 50 रुपये एंट्री दे करके यहाँ घूम सकते हो, वैसा वाला सीन है ये। ये देखो वाटर काउंटर कितना बढ़िया बढ़िया सीन कर रखा, देखो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से पेंटिंग वगैरह, नीचे लेप वगैरह, ऊपर सारा कुछ बहुत शानदार बना रखा, फूड स्टॉल वगैरह सारी कंप्लीट है। ये देखो ये लोकल्स के लिए, मतलब जो अंदर उस वाले उत्सव को शायद आई थिंक अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे आकर के आप ये लोकल यहाँ पे सामान वगैरह खरीद सकते हो, गुजराती स्टॉल वगैरह। बाकी वो जो है ना सीन, वो तो प्रॉपर आप पैसा दे करके ही जा सकते हो उस साइड वाले, ये जो गोला बना रखा है ये शायद थोड़ा बहुत चार्जेबल है। जो यहाँ कुछ तो स्पोर्ट्स होते हैं, पानी के एक्टिविटीज, कूदना नाचना, बच्चों का है शायद पूरा हिसाब किताब। खैर वो देखो आर्चरी का भी है वहाँ पे, तो ये जो ना ये तो था लोकल्स, अगर आप 50 रुपये दे करके जाना चाहो, बाकी यहाँ से लेकर के पूरा वो जितना भी आपको दिख रहा है सारा का सारा रण उत्सव के अंदर आता है। ये पूरा घूमने में शायद पता नहीं कितने घंटे लग जाते होंगे भाई, बहुत बड़ा है यार ये, अंदर से तो बहुत छोटा सा दिख रहा था, देखो कितना बड़ा सारा दिख रहा है। ये तो आज जाकर के लग रहा है कि थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिला है क्योंकि अच्छी खासी नींद निकाली है, 7 बजे तक सोया मैं तो। बस एक ही दुख है कि बाहर जैसे अपनी शहर या फिर कहूँ कि जिले से जैसे बाहर आते हो ना, खान पीन पूरा चेंज हो जाता है, अब यहाँ पर सब मीठा मीठा सा है, अब वो शरीर क्या मेरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत में हो रहा है। तो समझ सकते हो दिक्कत किस चीज़ से रिलेटेड में बोल रहा हूँ, तो अजीब सा हो रहा था माहौल। जब तक अब राजस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे ना, तब तक ये पेट ऐसा ही रहेगा मेरा गड़बड़। कसम से कई बार तो ऐसा लगता है, मैं ये इस पूरे ब्लॉग से हटके एक बात कर रहा हूँ, पता नहीं कि मुझे एकदम से इन रोडों को देख के बाइक चलाते हुए, दोस्तों के साथ बाइक राइड करते हुए एकदम से दिल में आया कि ये बात मैं शेयर करूँ। कई लोगों को लगता होगा कि यार मैं काश ये कर पाता, मतलब जो सपना जो पूछा जाता ना, क्या तेरा क्या सपना है, क्या वो करना चाहता तू जीवन में, तो मेरा एक बहुत अजीब सा ड्रीम है कि मेरे पास एक तो सुपर बाइक हो, कोई 1000-1200 cc या 800-900 cc की चलेगी, जो एडवेंचर बाइक होती है हिमालयन टाइप ना, वैसा कुछ। और मैं उस बाइक को लेके उमलिंगला, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन चुका है अभी, फर्स्ट नंबर खारदुंगला के बाद, मतलब खारदुंगला पहले फर्स्ट था, अब वो सेकंड हो गया, फर्स्ट जो उमलिंगला है वहां से मेरी बाइक स्टार्ट करूं और जम्मू हिमाचल और ये सब कवर करता करता राजस्थान की बॉर्डर, महाराष्ट्र, उधर से फिर मुंबई, पुणे, गोवा, ऐसे ऐसे पूरा गुजरात वगैरह सब कवर करते करते, मतलब पूरा ये जो भारत का नक्शा जैसे नहीं होता, नीचे कन्याकुमारी तक जाऊं और फिर कन्याकुमारी से वापस तक
वापिस से नीचे से ऊपर उठता गया हूँ, इधर से होते हुए पूरा एकदम सेवन सिस्टर वगैरह, ये मेघालय वगैरह बनाता हुआ पूरा नेपाल की बॉर्डर से होते होते बिहार वगैरह वो सारा क्रॉस करके वापस से उमलिंगला। मतलब ये मेरी ड्रीम राइड है कि मैं पूरा भारत का नक्शा जो है वो अपनी बाइक से बना दूं, ऐसे करके पूरा वो करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में एक बार। पर उसके लिए थोड़ा बाइक पैसा और वो सब चाहिए यार। मेरा बहुत तय दिल से इच्छा है कि पूरा इंडिया ऐसे मैप बना के छोड़ दूँ, पर इतना पैसा है नहीं और इतना टाइम भी नहीं है कि जॉब छोड़ के कम से कम इस चीज़ को करने के लिए नीनी करते भी प्लानिंग करने में 6 महीने और भी शायद साल भर ही लग जाए क्या पता, और पूरी राइड करने में 7-8 महीने चाहिए पूरे इस ट्रिप को करने में। पर है तो मेरी ड्रीम राइड ही है कि मैं ये चीज़ करूँ एक बार, पूरा इंडिया ऐसे घूम जाओ, पूरा नक्शा बना दूँ जैसे वो फ्लाइंग बीच ने इंडिया का नक्शा बनाया था ना आकाश में, वैसा मैं धरती पे बनाना चाह रहा हूँ अपनी बाइक से। देखो कभी तो होगा पूरा, ऊपर वाले ने चाहा तो पक्का। बालाजी महाराज कर दे कृपा बाइक दिलवा दे एक जबरदस्त। भाई क्या सीन है, देखो एक बार ये बाइक जा रही है हमारी, वो कर मार रहा देखो पूरा रोड मस्त वाला, यहाँ उड़ना जिधर ड्रोन। वाह मजा आ गया यार, ये क्या ऑफ रोड है क्या पर पूरा। ओ भाई साहब इनके भी अजीब चुल चाल हो जाती है एकदम से, कोई भरोसा नहीं क्या लेने जा रहे हैं, बोलेगी यार एक राउंड ही मार के आ जाते हैं, उसमें के भी पागल है ये। बाकी यार यहाँ की मिट्टी की नमक है यार, ये देखो ये क्या चीज है यहाँ, देख के आऊं मैं, देख के आता हूँ। देखो और नमक है, प्रॉपर नमक है बे, पहली बार मैंने नमक देखा है ऐसा पास से। देखो अरे बाप, चाख के देखूं क्या नहीं चाखूंगा तो नहीं, बाकी अच्छा लग रहा है मस्त नमक बना हुआ है पूरा, देखो शानदार एकदम। वो मैंने कहा था कुछ करने गए वो रोड तो यही होगा पक्का, ये तो वहाँ मजे लेने गए बस, वो रुक गए देखो आगे जाके, बहुत ही सुंदर। यहाँ तो ड्रोन उड़ाएंगे यार, अगर वो लाए होंगे ना अपने साथ तो पक्का ड्रोन उड़ाएंगे। चलो वहाँ चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखा वो। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजाने राहों में साथ रहे मेरे तू बस, बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। सिनेमेटिक्स आए यार, मजा आ गया इस जगह तो, दिल खुश हो गया कसम से। बाकी टाइम हमने काफी तगड़ा खर्च कर दिया यहाँ पे, 11 बजा दिए हमने यहीं पे, सिर्फ रील्स फोटो ड्रोन शॉट इन्हीं में, पर ठीक है सही है फिर भी। और अब हम जा रहे हैं लखपत गुरुद्वारा करके एक जगह है, यहाँ से 75 या समथिंग कुछ करके, मैंने कहा था ना वापस यहीं आएंगे, ये तो ये जगह देखने के लिए घुसा दी इन्होंने सॉल्टी लेक। और ये पूरा पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये आइडिया और नहीं लग रहा, इधर पूरा बहुत दूर तक गए थे हम ड्रोन लेकर के तो कुछ समझ में नहीं आया। पिछले 30 किलोमीटर से हम नॉन स्टॉप यही स्पीड में चल रहे हैं 80-100 और ये रोड जो है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल स्ट्रेट है जितना आपको दिख रहा है और दोनों साइड इसी तरीके से पता नहीं क्या नहर है या पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पानी भरा हुआ है इसमें, तो मे भी हो सकता है नहर हो सकती है, और इधर तो पूरा बंजर रेगिस्तान है। पता नहीं चलते चलते कौन सी जगह आ गए हम दोनों, यहाँ पे पवन चक्किया लगी हुई गुजरात में, ये बड़ी बड़ी सी इसके बीच में जो फैन है ना बड़े बड़े जी इतने लंबे लंबे हैं, जब हम कोटा से गुजरात की तरफ आ रहे थे ना तब ट्रकों में देखा था, मतलब एक पंखड़ी में बताऊँ यहाँ से वो अमित चल रहा है ना सरदार जी के साथ, ये दौर चौथी लाइन में वो कार, इतने लंबे लंबे एक पंखड़ी थी इनकी, और
मैं सोच रहा था कहाँ लगाए रखी होगी इन्होंने गुजरात में, तो ये वो जगह जहाँ पे पंखिया ये पवन चक्किया लगा रखी है। गुरुद्वारे का तो पता नहीं, बाकी गुरुद्वारे से पहले हमको फोर्ट दिखना नजर आ गया। देखो ये फोर्ट रहा, लखपत फोर्ट करके कुछ है शायद, पूरी उसकी बाउंड्री लखपत फोर्ट की, और मुझे ऐसा लग रहा है इसके आसपास ही होना चाहिए गुरुद्वारा। देखो और गुरुद्वारा भी, हाँ ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है इसका नाम, लखपत, लखपत फोर्ट, ये देखो। और बाप रे ये तो तोड़ा हुआ है, वाह मस्त है यार। ये गेट रहा होगा उस टाइम का, और क्या हो गया, क्या हुआ फोटो, अरे। और इसी बाउंड्री की पूरी वॉल के अंदर, पूरे देखो वहां तक दिख रहा है, इस पूरी बाउंड्री के अंदर ही देखो वो गुरुद्वारा रहा सामने। हम इसकी एक बार हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ के लोकल से पूछूंगा क्या कहते हैं, देखा वो थोड़ा आइडिया तो ले यार, अगर है तो कुछ तो होगा ही है। ये रहा देखो क्या नाम है, गुरुद्वारे पहुँच गए सबसे पहले तो, यहाँ लगा देते हैं पहले तो गाड़ियों को। इसका जो इतिहास मैंने अभी थोड़ी देर, मतलब मैंने नेट पे सर्च किया, वहाँ से पता चला थोड़ा सा ही कुछ है। ये पहली बात तो जितनी मैंने सीमा दिखाई थी ना अभी फोर्ट की, ये 7 किलोमीटर में फैली हुई है, और ये शायद जितना मैं समझ पाया हूँ नेट से, और कुछ ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, जितना मैं समझ पाया हूँ उतना बता रहा हूँ। ये सेम अपने जो जैसलमेर में भूतिया गाँव है कुलदरा, वैसा ही कुछ सीन है, एक रात में गायब हो गए थे वहाँ पे लोग, तो इसमें भी धीरे धीरे करके मतलब वैसा ही कुछ सीन हो रहा होगा। उस जमाने में यहाँ से लोग पलायन कर गए पूरा शहर छोड़ के। द रीज़न इज यहाँ पे जो पहले नदी बहा करती थी सिंध, उस जमाने में जब यहाँ पे लोग रहा करते थे तो यहाँ पे ना चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो उसका ट्रेड हुआ करता था, यहाँ से मतलब आयात निर्यात किया जाता था। तो यहाँ पे उस जमाने में उस टाइम पे एक भूकंप आने की वजह से वो नदी थोड़ी सी पीछे खिसकी, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पीछे खिसकी, जो चावल की खेती के लिए जो जगह फेमस थी जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, और भूकंप आने की वजह से वो पानी पूरा का पूरा पीछे की तरफ खिसक गया, और यहाँ पे खेती करने के लिए पानी की जो ज़रूरत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस वजह से लोगों ने यहाँ से पलायन करना चालू कर दिया, और फिर ये एक तरीके से सुनसान है अभी तक भी, और इतना ही कुछ पता चला है। बाकी अगर कुछ और अपडेट होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे के अंदर, यहाँ का भी कुछ ना कुछ पक्का इतिहास होगा। ये कुछ गुरुद्वारा है, हाँ लगा लिया ना, पेड़ धोने इतने मस्त ठंडा पानी है। अबे उनके ये सामान वगैरह, ये चरण पादुका वगैरह ना, यहाँ आए थे कौन का जाते हुए, कौन तो अभी जस्ट मैं अंदर से होकर के आऊँ, और कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। इस किले का इतिहास और इस गुरुद्वारे का इतिहास आपस में थोड़ा सा इंटर कनेक्ट है, मतलब दोनों का कनेक्शन है। जो यहाँ का किला है वो पहले तो बता दूँ 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में दीवार दिखाई थी ना यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ऐसे करके पूरा किला ऐसे घुमा हुआ है। और इस किले का नाम जो लखपत किला रखा गया है उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे लाखों का कारोबार हुआ करता था एक ज़माने पहले, तो इस वजह से यहाँ पे इसका नाम लखपत रखा गया। और यहाँ पे जो खेती हुआ करती थी वो चावल की खेती हुआ करती थी, और कई जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे रेड चावल हुआ करते थे लाल कलर के, और सिंध प्रांत की तरफ इसका व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ पे व्यापार होने की वजह से काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ करता था, मतलब लाखों रुपए यहाँ पे आमदनी हुआ करती उस ज़माने में, जो भी करेंसी रही होगी उसके थ्रू। पर एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ पे भूकंप आया, और भूकंप आने की वजह से
यहाँ पे जो नदी जो बहा करती थी जिस वजह से यहाँ पे पैदावार हुआ करती थी उस फसल की, वो पीछे की तरफ खिसक गई। उस वजह से यहाँ पे फिर पानी का अभाव हो गया। पानी के अभाव हो जाने के कारण यहाँ के जितने भी लोग थे वो यहाँ से छोड़ करके अपने अपने चले गए। दूसरा एक यहाँ पे गुरुद्वारे की जो कहानी है वो है कि गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे मक्का मदीना जाने के लिए, तो यहाँ पे स्टे करके गए थे। जहाँ पे इनकी चरण पादुकाएँ, एक वो खड़ाऊ बोलते हैं जो अपने साधुओं में होता है ना, वो एक लकड़ी का और उस पर स्टैंड बना हुआ था, वो सब यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है उसी टाइम पे उन्हीं का। तो ये कुछ यहाँ का इतिहास था। चलो चलो पधारो, आ ही रहा हूँ मैं भी। तो ये कुछ यहाँ का इतिहास है। बाकी अभी अंदर गए, हमने प्रसाद वगैरह लिया, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। जैसे हमारा खाना आगे है पर हमने यहाँ पे एक एक दो दो चपाती थी, यहाँ भी चेप ही दी हमने। तो यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग थी रिफ्यूजी, में अभिषेक बच्चन थे और एक पता नहीं हीरोइन, तो पता नहीं कौन थी हीरोइन कौन थी उसमें, कुछ आइडिया है रिफ्यूजी में? शेट्टी, जैकी श्रॉफ, हाँ, करीना, सुनील शेट्टी वगैरह ये सारे थे। वो वाली शूटिंग यहाँ पे पूरी, इसके पीछे पोर्ट के पीछे का जितना भी हिस्सा ना उस साइड की। तो अभी यहाँ से निकल के उस पोर्ट के मेन गेट पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े फोटो शूट वगैरह करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे फिर हम। और ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ना, इस किले का बैक साइड है या पता नहीं फ्रंट साइड है, कुछ भी बोल लो, जहाँ काठावीरा नाका नाको कुछ तो लिख रहा था, जहाँ से पाकिस्तान की तरफ ट्रेड हुआ करता होगा 100%। अब पता नहीं बंदे कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया यार, क्या हो गया। आगे जाके देख के आता हूँ, देखा क्या सीन है। पता नहीं कॉल आया कि वापिस आ जाओ, शायद अम्मी तो वापिस निकल गए, पता नहीं कब निकल गए पता ही नहीं चला, हम तो आए सेम रास्ते से। तो कुल मिला के यही गेट है, क्योंकि इसके आगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी नहीं है। तो पता लगा मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच जाऊं, तो सबसे बेस्ट है कि अपने निकल जाओ, यही गेट रहा होगा 100%। तेरी क्या धूल उड़ रही है, जहाँ से पूरा व्यापार किया जाता था और यहीं से ही पूरी नदी जो है पीछे खिसक करके चली गई। गए वो तो ये वाला गेट, ये इसका मुख्य गेट है एक तरीके से देखा जाए। चलिए अब चल रहे हैं हम बाहर, पूरा रोड क्रॉस करते हुए उत्तरी तिर तिरी। थैंक यू सर, क्या बात है, गाड़ी जोरदार बना रखी है सर ने, पैर रखने के स्टैंड कितने सही उनके लेग गार्ड पे, वाह यार अच्छी लग रही गाड़ी, बहुत बढ़िया। ये पहले सर हमारे साथ राइड करते थे, मतलब मैं तो नहीं जानता, अमित जानता है। चला, ये एटॉमिक पावर का प्लांट है जहाँ पे सर, ये पूरा टेंडर इन सर का ही है। और ये हमारे साथ पहले जब मैं भी जुड़ा नहीं था RJ20 में, तब ये राइड किया करते थे कोटा में, और अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, या बोल लो कि यहाँ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसा कुछ है। इतनी बड़ी शानदार जगह है यार पुरुत्री, ये क्या सीन है, मजा ही आ गया ना, क्या बात है यार, अरे बाप रे। सर राहुल, मैं आपको पहले थोड़ा व्यू पॉइंट दिखाने लेके आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, लंच रेडी है बिल्कुल, फिर एक बार हाय हाउ आर यू, व्यू पॉइंट देखते हैं। अरे वाह सुंदर, डायरेक्ट कराची। कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से कराची? एरोनॉटिकल 30। ज्यादा नहीं यार, अब आप लोग जल्दी नहीं आए, नहीं तो मैं आपको 11 सरों के पास में, वी हैव अ बीएसएफ रिलेशनशिप, उसमें आपको, अरे इस चीज के लिए तो कर सकते हैं भाई, पूछा नहीं कहाँ है ये, ये इसको बाद में बात करते हैं इससे। हाँ ये तो सुंदर जगह है यार, वो तो ड्राइव करते हुए आ रहा था, तो ये क्या नाम है तुम्हारा, धोला वीराला राइडर फिरोज, फिरोज उसने लाइक किया, तो मैं उसको फोन किया, मैंने कहा पता तो चल गया कौन कौन बाइकर है, किसी को भी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। सही है, वहां से तो हम आगे वो लोकेशन देख करके चलो चलते अंदर।
वॉशरूम जाना है? वॉशरूम ये लो, हालत है, देखो ये नहीं हालत है, शक्ल पे टेनिंग आ गई, अलग से दिख रहा है। क्या हुआ, गिर गया? नहीं नहीं, थक गए। एक्चुअली वो बारिश बहुत एडवेंचर फ्रेंडली नहीं है। वहाँ पे यदि आप वॉक किए होते दीवार तक, तो आपको रास्ते में पूरे दाने पत्थर होगा। अभी भी चावल के लाखों करोड़ों पीसेस वहाँ पे, दाल की है, गेहूँ की है, बट ऑल इन शेप ऑफ स्टोन। तो ये भी नहीं हो सकता कि दो चार स्टोन को कोई बना देगा, पर लाखों की तादाद में स्टोन्स में उसी शेप में कन्वर्ट करना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। चलो मारते हैं से एकदम से। तो कैसे मेरे सभी रुक जा, तेरा 80 पीस कराऊं। खेलने तो कूदने दे यार, तेरी उम्र होगी तो उसमें क्या करें हम, उसकी तो है। अरे इतनी भी नहीं खेल रहे थे, सपाटी दे मारी थी। दिल निकल, दिल जो काला हो चुका है, धो के सफेद करना पड़ेगा। अबे ये क्या निकाल, सही में वो निकाल रहे पेड़। मैं तो गिर रहा हूँ। तो खाना खा के हो गया कंप्लीट, और अनिल सर जो हैं वो हमें आगे तक छोड़ेंगे, थोड़ा एक लोकेशन तक, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। सर शायद आई थिंक पीछे आ जाएंगे वापस अपने यहाँ पे ही, और हम निकल जाएंगे अपने वापस से डोडो। आज एक ऐसे राइडर के साथ बैठ के खाने का मौका मिला है जिन्होंने ऑल इंडिया राइड की हुई है 28 दिन के अंदर, और आई थिंक अब पता नहीं, वो मैं कंफ्यूज हूँ, शायद ये या इनके फ्रेंड, उन्होंने एक शायद लंदन तक की भी राइड की हुई है बाइक से, वो भी क्लासिक से। तो बहुत ही प्रो लेवल के राइडर्स है, 2001 का शायद इनका ग्रुप है, गन मेटल मोटरसाइकिल क्लब ऐसा कुछ करके नाम है शायद इनके क्लब का। रुको एक बार मैं आगे जाके देखता हूँ, उनके जैकेट पे अगर दिख जाएगा तो। इनका नाम है गन राइडर मोटरसाइकिल क्लब, ये नाम है इनके क्लब का। बाप रे, पहली बार अंदर से घूमने का मौका मिल रहा है। ये कुछ तो बड़ी बड़ी मशीनें, पता नहीं कौन सी चीज़ क्या करती है, भगवान जाने। यहाँ ट्रेन की पटरी, मतलब यहाँ कोयला वगैरह तो आता है कन्फर्म। और सर बता रहे थे कि यहाँ जो समुद्र है पास में, उसी का वाटर को यूज़ करके ये पीने का पानी और भी न जाने क्या क्या चीज़ें, साथ में बिजली का उत्पादन प्लांट, देखो ये कितने बड़े बड़े चिमनियाँ हैं, भट्टियाँ हैं बिल्कुल एकदम। और कोई फ्रांस की कंपनी आई थिंक, उन्होंने आकर के पूरा बिल्ड किया है पूरा सीन। देखो यार वाकई में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना आप देख रहे हो मेरे सामने। सर फाइनली हमें लेकर के जा रहे थे नारायण सरोवर, जो कि जस्ट आपके सामने दिख रहा है, देखिए इसका ये मुख्य द्वार है नारायण सरोवर का। ये भी सेम मुझे लग रहा है, वही एक रोड है, दोनों साइड पानी है। ये देखो यहाँ का हर एक सीन सेम है, नारायण सरोवर। एक जना और हम साथ में। अरे ये कौन सा मंदिर है? कोटेश्वर। अच्छा कोटेश्वर, हाँ इसीलिए इनका जगह का नाम भी वो नारायण सरोवर के नाम से ना, नारायण भगवान की वजह से। राधे राधे। ये साइड क्या है, नहाने की जगह तो घाट। ये 10 मीटर पे समुद्री किनारा है, मतलब परी सीशोर है ये सामने। okay. जो दिख रहा है, हाँ जी, उसके वॉल के उधर सीशोर है। अच्छा, और इसका पानी आप मुंह में डाल के देखिए, बिल्कुल मीठा ये वाला पानी, समुद्र का क्योंकि तो अंदर जाओ, और ये पानी बिल्कुल साफ और मीठा। और ये अपने 6
श्रीकृष्ण भगवान वाला जो है पुराना उस टाइम का ये सरोवर। हाँ, तो जो चार सरोवर है, कैलाश मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, उन चार में से एक ये सरोवर। ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, ऐसे ही आप रामेश्वरम गए। तो रामेश्वरम की मंदिर की दीवार के पीछे सब उधर है जो कुंड है, 21 कुंड, 21 कुंड का पानी हर एक का टेस्ट अलग है। मूवी तो लिया, चलो छीट एटलीस्ट छीटे तो मार ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो मछलियाँ दे रही। देखो वो छोटी छोटी कितनी सारी, नारायण भगवान का तो इसी मंदिर के जस्ट सामने द्वारकाधीश जी का भी मंदिर है, उसके भी लगे हाथ हम दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम निकलना है घर की तरफ, क्योंकि अभी भी हमारे पास कम से कम 100 किलोमीटर आराम से बच रहा होगा, 150 ना, बाप रे। चलो ये देखो सुंदर प्रतिमा, दर्शन भी हो गए कंप्लीट। मन में ही नहीं रही है, क्योंकि हम सोच रहे थे यार जूते खोलने पड़ेंगे ये वो, तो सोचा कि अब दर्शन करने से कर ही लेते हैं। ये हो गए हमारे भगवान नारायण जी के दर्शन, तो अब जो है हम जाएंगे सीधे हमारे घर, क्योंकि यहाँ से भी 150 किलोमीटर जाना है तो कोई मजाक नहीं, रात हो जाएगी वापस से। और टेंट सिटी में सोचा था पैदल पैदल ही घूम के आऊँ, पर वो भी मुश्किल लग रहा है, खैर जो भी है देखते हैं। चलिए फाइनली पहुँच ही गए वापस हमारे होम स्टे, हालत खराब हो गई कसम से। 260 किलोमीटर चला दिया आज भी, 260 आज भी 10 बज गई भाई, 10:27 हो गई, मजाक से हट के। ये देखो कल के जैसा आज फिर से प्रोग्राम चालू हो गया, आज चार जने देसी गाने खुद से बजा लो, यूं क्यों नहीं खुद ही गा लो, खुद ही नाच लो, देख फिर चल।